इन दिनों हुई आईपीएस अधिकारियों की बड़ी सर्जरी के बाद आखिरकार इंदौर में भी डीआईजी पद के लिए मुहर लग गई, जहां शहर की जिम्मेदारी डीआईजी मनीष कपूरिया के कंधों पर दी गई है। शहर में पदभार ग्रहण करने के बाद देर शाम कंट्रोल रूम में आला अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। डीआईजी कपूरिया ने बैठक में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ये सख्त निर्देश दिए कि शहर में किसी भी तरह की अवैध जुआखाने, अवैध शराब बिक्री, थाना प्रभारी की लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि अपने सब इंस्पेक्टर और आरक्षक द्वारा डिसिप्लिन में रहकर वर्दी और जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण करें। वहीं ट्रैफिक और महिला सम्मान जैसे मुद्दों पर जल्द ही पुलिस कई बड़े कदम उठाकर महिलाओं को अपना सम्मान और ट्रैफिक व्यवस्था में इंदौर को नंबर वन बनाने के लिए जागरूक अभियान की शुरुआत करें। आज हम लोगों ने सारे स्टाफ को बुलाया था और जो हमारी प्रायोरिटीज थी पुलिसिंग को रिले करके, उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुलिस का वेलफेयर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, उनका फीडबैक भी लिया, रिव्यू किया था। उसको भी हम जितना क्राइम है उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है उसको भी, लेकिन जो अभी आंकड़े हैं उस मान से अभी स्थिति बेहतर है पिछले सालों की अपेक्षा, उसको और कम करेंगे। ट्रैफिक मल्टीफेसेटेड है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रोल रहता है, मैन मैनेजमेंट का भी रहता है। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बढ़ रहा है तो उसके अल्टरनेट रूट्स निकाल रहे हैं, समय लगेगा, उसको सबको साथ लेकर करेंगे। थैंक यू।